राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर लोक सूचना 1 नवंबर को जारी की जाएगी। लोक सूचना जारी होने के साथ ही नगर परिषद क्षेत्र के वार्डों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। देर शाम जिला कलेक्टर के DRT हाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपखंड अधिकारी तेजस्वनी राणा ने बताया कि नामांकन पत्र 1 से 5 नवंबर तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के अतिरिक्त समर्थक सहित 5 लोग ही कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। राणा ने बताया कि नामांकन पत्रों की समीक्षा 6 नवंबर को की जाएगी। 8 नवंबर तक नामांकन वापस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्ह का आवंटन 9 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निकाय के लिए 16 नवंबर को मतदान होगा, जो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना 19 नवंबर को की जाएगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि इसके चुनाव की घोषणा हो गई थी, कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 से कल लोक सूचना जारी कर देंगे हम सुबह, और उसके बाद 1 से 5 तक ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। 6 तारीख को इनकी स्क्रूटनी होगी और 8 तारीख वापस लेने की विड्रॉल की लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा मतदान की तिथि जैसे आप जानते ही हैं कि 16 नवंबर है, और बाकी जितने भी मतदाता हैं उनकी हमारी सूचियाँ भी बन गई हैं, और सभी मतदाताओं को यही संदेश है कि वो अपने चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू।